राजीव बंसल, आप देख रहे हैं हांसी की आवाज। आज हम ऐसे शिक्षा के मंदिर में खड़े हैं जो गणेशानंद जी के आशीर्वाद से सानिध्य में विगत 33 वर्षों से शिक्षा का अलख जगा रहा है। बाबू सज्जन अग्रवाल जी जिसके प्रेसिडेंट हैं, आप समझ ही गए होंगे कि SD मॉडर्न पब्लिक स्कूल सीनियर सेकेंडरी स्कूल वन ऑफ द लीडिंग इंस्टीट्यूशन है जो शहर की, जो सबसे पहले जिसने इंग्लिश मीडियम CBSE का आगाज किया, ऐसा स्कूल में हम खड़े हैं और उसके खूबसूरत से प्रांगण में खड़े हैं। उनके प्रिंसिपल, वर्दी प्रिंसिपल सुरेंद्र अरोड़ा जी से बात करेंगे कि स्कूल अब खुल रहे हैं और कैसा लग रहा है कि फिजिकल रूप से स्कूल खुल रहे हैं, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो प्रिंसिपल साहब, मैं हांसी की आवाज़ पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आई एक्सप्रेस माई वेलकम टू यू ऑन। थैंक यू वेरी मच फॉर इन्वाइटिंग दिस प्लेटफॉर्म। सो जस्ट नाउ शुड आई स्पीक इन हिंदी और कैन आई यूज द बोथ लैंग्वेज? ना, लिंग्विस्टिक हो जाइए। ओके, तो एज यू नो दैट द गवर्नमेंट इज री ओपनिंग द स्कूल फ्रॉम 16, तो वी आर प्रिपेयर टू वेलकम आवर स्टूडेंट्स in our school. So they will be coming with the protocol of COVID-19, and the all guidelines of the government will be followed when they report to the school. And I want, because there should be a physical interaction with the students, and students from the last 1 year they are sitting at home and getting the online education, which I feel that is they are missing the bonding between the teachers and students. Yeah. So they should come and we will welcome them when they will come here, and we make sure that they will follow the all protocols of COVID-19. This type of preparation you have done regarding the physical opening of the school. So when the student will enter from the gate, yeah, they will be sanitized, and we will make sure that they will wear mask all the time. And even as per the government guidelines, they will be calling the alternate days, the 15 students or maybe 30 class students, the 15 students will be called the first day, and the next 15 students will come on the another day. Mm-hmm. So this will be alternate days, and there will be only one bench, the one student will be sitting on the chair, and there will be social distancing will be followed. You have managed the sanitization as well as thermoset. Yes, we have already sanitized all the classroom, and it when the school will be over, it will be sanitized every day. Online and virtual and digital classes were going on. Yes, जारी रही थी जी, और अब physical interaction होगा आपका जी, और जो lagging behind जो बच्चे हो गए हैं online और physical interaction में और offline में, तो बहुत अंतर होता है प्रिंसिपल साहब, तो ये जो lagging behind है जो स्टडी का, वो कैसे पूरा कर पाएंगे आप? हमने टीचर्स को इंस्ट्रक्ट कर दिया है कि जब बच्चे वापस आए, उनकी कोई भी डिफिकल्टी है, पहले उनका जो पुराना सिलेबस हुआ है, जो ऑनलाइन सिलेबस करवा चुके हैं, उनकी जो भी डिफिकल्टी होगी उनको पहले दूर किया जाएगा, फिर ही नया सिलेबस उनको पढ़ाया जाएगा। कोई सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव टाइप का भी आपने सिस्टम रखा है? यस, वी हैव डन दिस फॉर ऑब्जेक्टिव टाइप। द टेस्ट विच वी आर गोइंग ऑन ऑनलाइन, दैट इज ऑल गोइंग ऑन ऑब्जेक्टिव टाइप। व्हेन द स्टूडेंट्स विल कम बैक इन द क्लासेस, सो दे विल बी टॉट सब्जेक्टिव वाइज, एंड विच एवर दे आर फेसिंग प्रॉब्लम इन देयर प्रीवियस सब्जेक्ट, ऑनलाइन दे फेस द प्रॉब्लम, दैट विल बी रिमूव्ड बाय द टीचर्स। मैं जरा सा बता दूं, प्रिंसिपल साहब नए आए हैं, हर ये ही हेल्स फ्रॉम हिसार से बिलोंग करते हैं, लेकिन अगर इनके बारे में बताने लगूं तो ये मेवो कॉलेज अजमेर में 17 साल यानी कि अपनी सर्विसेज रेंडर करके आए हैं। उसके बाद ये हल्द्वानी में प्रिंसिपल भी रहे और अन्य जगह इन्होंने अपनी सर्विसेज दी हैं। प्रिंसिपल साहब, मैं जानना चाहूँगा आपके स्कूल में कितनी स्ट्रीम्स हैं? वी हैव टू स्ट्रीम्स, दैट इज कॉमर्स एंड साइंस। साइंस में दोनों फैकल्टीज हैं, नॉन मेडिकल एंड मेडिकल। वी हैव, we don't have the humanities team, which we are going to have it from the next year. Your school is well equipped with the lab and the laboratories and the library and yes, digital library also. Yes, all facilities are available, and all libraries, because it is a 32-33 years school, we have all the facilities for the student, and even for the science students we have all bio lab, physics lab and computer lab, social science lab and interactive lab, the all are available in our society. And we have 3 computer labs which the students they go and they search, and it is all equipped with the Wi-Fi connection, and student can interact regarding the sports. Yeah,
sports we have also, we have the teachers and the students, they used to participate in the, not only in the district and state level, even they participate in the national level also. And co-curricular activities. Co-curricular activities also going side by side with the school activities. Mm-hmm. And it will be when the students will be in the school, even not only the physical, even we are conducting the online co-curricular activities also. I express my gratitude to you to interact with you regarding this leading institution, SD Modern Senior Secondary School. Yeah. Thank you so much. It is my honor to be a part. It's my also privilege to interact with you, personality. Thank you so much. You are the one of the accommodation and the educationist, and our city, SD Modern Public School, will grow up in your guidance. It is my perception and my good wishes to you. Thank you for your good wishes. Thank you. Thank you. मिलते हैं फिर एक ऐसे ही educationist से. और ऐसे ही ये एसडी मॉडल वन ऑफ द लीडिंग इंस्टीट्यूशन है डिस्ट्रिक्ट का. देखते रहिए हाथ से क्या बात.